एक 22 वर्षीय युवक एक जो ऊपर देख पा रहे थे के अंदर समाधि ले ही काल शाम ने, और 24 घंटा बीत चुका है बात ने, और कुछ ही देर के अंदर भी युवक ने है बाहर निकल ही जाओगे। चिन्नी वाली बोरी के अंदर बंदा है भाई। अच्छा, 24 घंटे हो गए इस भाई ने। शक्ति भक्ति लाख पूजा का खेल है भाई। अंदर है मैंने पहले तो चिन्नी की बोरी में डालियो, बिंग बाद में 7 गांठ लगाई, बिंग बाद में अंदर डाल दियो गयो बोरी में बंद करके। बेचारा अंदर बढ़ दियो आगम और देखियो काल को रात को बंद करा। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे हैं दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। अभी हाल फिलहाल आप मौजूद हाँ टाउन की पारिक कॉलोनी के अंदर, बता दूं थाना देख पा रहे थे एक समाधि है, और लगभग काल शाम ने एक 22 वर्षीय युवक एक जो ऊपर देख पा रहे थे के अंदर समाधि ले ही काल शाम ने, और 24 घंटा बीत चुका है बात ने, और कुछ ही देर के अंदर भी युवक ने है बाहर निकल ही जाओगे। अठे भक्त देख पा रहे थे पारी कॉलोनी के अंदर, इतना मैं कैमरामैन ने कहूँगा दिखावा, अठे लोगों की भीड़ कितनी ज़्यादा है, लोग बाग और रश देख पा रहे थे, और भक्ति में अठे जो माहौल है वो हेड़ो है, और माता रानी को दरबार भी लागेड़ो ही लबासा। आप समाधि को ऊपर जाऊँगा भाई, पकड़े हाथ पकड़े हाथ पकड़े, अब समाधि को ऊपर जाऊँगा आप, और आ जो नीचे देख पा रहे थे नीचे है अठे किला पास है बंदो किला पास है भाई जी बैठे है। बोरी के अंदर बंद है। अच्छा बोरी कल रात से भाई बैठ जो बैठ। अच्छा इना इना अच्छा के रहे होते बोरी में बंद है। चिन्नी वाली बोरी के अंदर बंद है यो भाई। अच्छा 24 घंटे हो गए इस भाई ने। शक्ति भक्ति लाख पूजा का खेल है। इस भाई ने 120 घंटे के लिए साइकिल के ऊपर रवाना कराया था, जो 2 दिन फालतू हो गए इस भाई ने। ठीक है, आज इस भाई ने बाहर निकाला है। 31,000 रुपया की लाग है मेरे भाई दानी सजनो। अरिया सारी कॉलोनी आड़े खड़ी है अपने, चुकरता कैमरा घुमा ले कोई बात को नहीं भाई। और किसी भाई ने भी कोई भी प्रोग्राम करवाना हो तो अपना नंबर ले लियो, जगह जगह प्रोग्राम करने खतरा में तैयार है। और बाकी भाई क्या कर रहे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक पापी पेट का सवाल है भाई। नहीं बात है, मैंने आप बताओ अंदर बढ़िया है, मकसद क्या है अंदर? मकसद ये है कि अपनी कलाकारी, अपने शरीर का हुनर जो लोगों को जागरूक करना, मेहनत तो चीज के हुआ है। हर एक इंसान बड़ा तो बड़ा छोटा तो छोटा घर में 10 रुपया खतर लड़ाई कर ले, ठीक है, घर चे खाने का आटा ना हो फिर भी वो लड़ाई कर ले, माँ ना माँ कौन समझा, भाई ना भाई कौन समझा, बाप ना बाप कौन समझा, तो इन चीजा खतर ये कलाकारी है। कलाकारी अब ना ऑक्सीजन खड़ू मिलने लग रही है। ऑक्सीजन तो ये है जैसे कि एक कश्ची के अंदर जो आप जमीन के अंदर हमारा 5 मिनट की ऑक्सीजन मिले, एक कश्ची के साथ एक टप्पा में, ठीक है, जिस टाइम आप 5 फुट लंबा यानी कि 3 फुट चौड़ा 4 फुट डूंगा 36 घंटा की ऑक्सीजन इसके अंदर है। बाकी सारी बात भी क्या करे मेरे भाइयों, हर एक इंसान का कोई भी कर्म हुआ अपना अपना कर्म हुआ, वो हर एक बात खोली भी को नहीं जावे, जो भी है यह माता रानी का दरबार है, सारे इसके कर्म है भाई। माता रानी के लाख पूजा के खेल है भाई। तो इन्हें कम से कम 1 घंटा और लगा फिर इस भाई ने बाहर निकाला है। जिस तरह जिन भाई है सारी पब्लिक के बीच में बिठाया था, सारी पब्लिक के अंदर बाहर निकाला है भाई ने, सारी पब्लिक के बीच में बिठाया। हाँ, पब्लिक के बीच इस कॉलोनी के अंदर कल 7 मतलब के शहर एक साथ 7 दिन भाई ने साइकिल चलाई दिन रात, कल शाम ने इस टाइम लाले 9:30 बजे इन भाई ने समाधि दे दी थी। देख पाओ ला रहे हो आठ है समाधि, अब जहाँ खड़े हाँ जगह आज यहाँ कोई चीज को ऊपर आप खड़े हो तो दलदल टाइप के अंदर अब यहाँ लग रहे समाधि, और अठे जो माता रानी को दरबार लागेड़ो है, कैमरा मैन ने कहूंगा इला पास आवे, और वो दरबार देख पाओ ला रहे हो थे माता रानी को, शिव जी भगवान भी है, काली माता भी है, हनुमान जी भी है, दुर्गा माता भी है, और वो दरबार लागेड़ो एक तरीके का माहौल है जो पूरे को पूरा अठे व्यक्ति में, और कुछ ही देर के अंदर और जो समाधि जो 22 वर्षीय युवक अंदर समाधि स्थल के अंदर मैंने बाहर निकाल ली जाओगे। अगर कल ना कुछ हो जाए अंदर तो थाने पतो क्या लगे, तबीयत खराब है कुछ हो जाए, जैसे की बात बताने में आएगी जिस तरह लले, अगर कोई दुर्घटना हुआ है फिर भी क्यों शक्ति भक्ति लग मुझे खेले, जो भी कोई कर्म होगा एक बार हमने जरूर पता लग जाए। हाँ बाकी तो क्या करे, कोई भी कर्म हुआ हर एक इंसान अपना अपना कर्म करे, सवेरे काम पर जाओ शाम ने घर आवे, जो क्या करे करी कार नहीं मिले तो दुख तो आवे। तो दूसरी बात यह भाई सिर्फ ओनली जगह जगह कर्तव्य दिखावा, जगह जगह अपना पेट वास्ते भाई अपने बड़े बच्चे वास्ते फिरना पड़ा। तोड़े कॉलोनी का लोग है बाहू पूछांगा कद ए समाधि ले ही भाई साहब जो अंदर है और कितनी देर में निकलेगा। अच्छा जी थे बताओ के नाम है जी थारा? समीर नाम समीर खिचड़ है जी। यहां बताओ अठे समाधि ली ही थे मौके पर मौजूद? हां जी। कितना बजे की बात है? 9:30 बजे की बात है। हां जी 9:30 बजे समाधि। हां जी के हिसाब हो अंदर बैठे हुए भाई? अंदर है मैंने पहले तो चिन्नी की बोरी में डालियो, बिंग बाद में 7 गांठ लगाई, बिंग बाद में अंदर डाल दियो गयो। खड़ो कितो गहरो? कम से कम 4-5 फुट है। मतलब लिटायो के बिठायो? सीधो बिठायो बोरी के अंदर, बिंग बाद में कंबल डाली, बिंग ऊपर माटी मोटी पुल रेडी दी, और बिंग बाद में अब थरसा में सजा दी है देख ले। मतलब खड्डो खोद के और ऊपर माटी घेर दी? हाँ जी। अगर मान लो भाई ऑक्सीजन को मिले काल अंदर कुछ हो गयो तो भी कुछ जवाबदार? हाँ तो माता रानी की शक्ति है साहब, मान 7 दिन हो गया गेम देखता ने, माता रानी कृपया कर ला रही है भाभी, देखो कृपया करेगी। पहले दिन वो साइकिल पर चढ़ो बिंगो 7 दिन बरतो सिर वो फल और दूध पीन, तो सारा दिन साइकिल पर ही रहन, तो साइकिल के ऊपर ही सोन, तो
साइकिल के ऊपर 24 घंटा रहना हो। क्या सीखे हो इस चीज से देख के थे के मतलब कुछ समझ? हम तो भाई जी सच्ची बताऊं तो आपके पेट खातर कराए करे जितो भी करे लेकिन एक तरीके धार्मिक अनुष्ठान को आयोजन ही हो गया। एक तरीके माता रानी को दरबार भी लागे इतना लोग बाग थे कॉलोनी का भेड़ा भी हो रहा। हाँ माता रानी को दरबार है। नीचे कमल बन गया जी बढ़िया प्रोग्राम करिए ऊपर ऊपर फट्टा भी चढ़ा है जी और सारी ऊपर माटी गेड़ी है जी। मन कम से कम 10 साल हो गए देखता ना वही प्रोग्राम पहला देखो जी उससे सागी सिस्टम हो जी कोई सुराख को नहीं कोई और को नहीं जी बाकी माता रही है फिर अंदर। हाँ जी ऑक्सीजन देखो पता माता रानी जी है माता रानी की है जी और कोई माता रानी करने वाली है जी। बताओ जी क्या कहना चाहोगा? ऑक्सीजन का कारण ये है ऊपर जो फटे लगे हुए हैं और जो मिट्टी डली हुई है और मिट्टी के जो सुराख चल रहे हैं उसकी वजह से ऑक्सीजन जा रही है बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी कृपा कर रही है। थैंक यू बहुत। 24 घंटा से ज्यादा को समय हो चुके है एक 22 वर्षीय शख्स ने समाधि लिया ने और अब लोगों के अंदर उत्सुकता है कि कद समाधि स्थलों पे बारह निकलेगा और वीडियो के माध्यम दिखाऊंगा थाने समाधि स्थल लिया जब तो आप मौके पर मौजूद को नहीं रहा और निकलता टाइम पास आप बातचीत भी करांगा जानांगा कि समाधि स्थल अगर बे लियो तो अंदर बे पूरा 24 घंटा भी अंदर के करियो के बे सूते रहे के बे जागता रहे तो अठे लेडीजा वगैरह बैठी आप आऊ जाना क्योंकि ये भी मौका के ऊपर मौजूद है प्रत्येक दर्शिया। अच्छा के नाम माता जी थारो? के नाम है बबली। बबली रहना रहोगे? हाँ जी। बबली जी के देखियो थे कल? मैं कल देखियो 21-22 साल को बच्चो है तो वो सारो धार्मिक काम होने लाग रहे है हमारे सामने बोरी के अंदर उसने समाधि दवाई है और 7-8 दिन हो गया एन बढ़िया धार्मिक काम चलन लाग रहे है। 7-8 दिन? हाँ जी ठीक है। मतलब 24 घंटा अंदर किया वो सांस ले सी किया रोटी खा सी किया कुछ सोचे थे? सोचे तो आई भाई एक माता रानी की कृपया है इसलिए मैं सारा 12 कढ़वाने वास्ते बैठे। हाँ जी तो दारू जी कौन करे थे भी समाधि ले लो लो या कौन ही मैं तो आम वास्ते भी कहे भाई कढ़ाओ जल्दी पर धार्मिक काम है कोई वाह को नहीं भी कोई हेरा फेरी है या कोई ठगी है इसी कोई बात को नहीं। बिल्कुल आधुनिक जमाने के अंदर समाधि वगैरह एक तरीके को यहाँ लगा है मतलब पुराने वक्त की एक चीज है। बोरी में बंद करके विचारना अंदर बढ़ दियो आगम और देखियो के काल को रात को बंद कर रखे हुए। तो तारो जी कौन बोले क्यों बढ़ रहे जी तो बड़ा ही हो तो रोक लेता फिर ओ, रोक लेता का उन्होंने शिवकली गाली मुंह में। अच्छा मैं तो उल्टी लगे शिवकली शिवकली मुंह में गाली जीती शिवकली हां ना गाली भाई ने अन गाली भाई ने। अच्छा दूसरा भाई जीती जी वो तो खेल दिखाना। अच्छा अच्छा वो मतलब दूसरा तीसरा आदमी होगा तीसरा अब डिक्का लाग रहे हो कद बारा कटे हां डिक्का लाग बारा निकलेगा तो के करेगा फिर दे करना के विचारन दे दे कोई नाम सीमान और के जगन अंदर बाढ़ रखे अभी दर्शन करांगा भैया दर्शन करना उत्सुक हो। हाँ जी पूजा अर्चना करांगा। हाँ जी तो अंत में मान्य दी इजाजत वीडियो के प्रति थारी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करांगा। जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।